नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा टेल्स। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और हिट कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं एयर वेटरन आरके शाक्या आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा टेल्स में स्वागत करता हूं। इस चैनल में आप लोग औषधीय गुणों से युक्त पेड़ पौधों के बारे में जानकारियां देखते रहे हैं और इसी क्रम में आज एक अन्य पेड़ के बारे में हम आपको बताएंगे। इसको पहचानने के बाद आप लोग इसके औषधीय गुणों का फायदा उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये नया पेड़। यह देखिए, इस पेड़ का नाम गिगेलिया अफ्रीकाना है। हिंदी में इसे बालम खीरा, हाथी बेलन, पहाड़ी खीरा, शिवा कुंडलम कहते हैं। अंग्रेजी में सॉसेज ट्री कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे झाड़ फानूस भी कहते हैं, क्योंकि जब इसमें फूल आते हैं तो ये एक फानूस की तरह पेड़ पर लटकते हैं। ये एक बहुत सुंदर दृश्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके फूल बड़े ही मनमोहक लाल कत्थई रंग के दिखाई दे रहे हैं। इस समय जून का महीना है, इसी महीने में पेड़ों पर फूल आते हैं। ये देखिए, एक लंबी सी डोर में कई फूलों का गुच्छा फानूस की तरह लटक रहा है। फूलों की बनावट बहुत सुंदर होती है, ट्यूलिप फूल की तरह दिखाई देते हैं। फूल के पीछे का भाग पीले रंग का दिखाई देता है। ये फूल उभयलिंगी होता है, बीच में पुंकेसर तथा उसके चारों तरफ स्त्री केसर होते हैं। परागण के बाद फूल जब पुराना हो जाता है तो नीचे गिर जाता है तथा लंबी डोर में पुंकेसर लगा रह जाता है, जो धीरे धीरे फल यानी खीरे के आकार में आ जाता है। जैसे जैसे फल का वजन बढ़ता है, वैसे वैसे डोर भी मजबूत होती जाती है। ये पेड़ वैसे तो अफ्रीका का मूल पेड़ है, लेकिन भारत में हर राज्य में मिल जाता है। इसको वन विभाग के कर्मचारियों ने सड़क के किनारे हर जगह लगाया हुआ है। यहाँ गाजियाबाद में 500 मीटर की दूरी पर 5 पेड़ों को हमने देखा है, जिसमें यह पेड़ ऐसा है जो अच्छी तरह से फूलों से लदा हुआ है, लेकिन इसमें बालम खीरा का फल नहीं दिखाई दे रहा है। बालम खीरा के फल को ढूंढने के लिए मुझे अन्यत्र जाना पड़ेगा। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 20 से 30 फीट हो जाती है। इस पेड़ की पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं, जो आम के पत्तों जैसी ही नज़र आती हैं। इसकी पत्तियां लंबी तथा चौड़ी होती हैं। यह देखो, पत्तियों एवं फूलों को देखकर आप इस पेड़ को पहचान सकते हैं। बालम खीरा के फलों को ढूंढने के लिए मैं घर से निकला हूं। यह देखो, सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हैं, लेकिन फल कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत प्रयास के बाद मुझे यह पेड़ ऐसा नज़र आया जो फलों से लदा हुआ है। मैंने पेड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति से इसके 4 फल तुड़वा लिए हैं, जिनसे मैं काढ़ा बनाऊंगा तथा चूर्ण बनाऊंगा। ये फल छोटे हैं, वैसे इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। बालम खीरा का फल बूढ़ी लकड़ी के रंग का होता है तथा ऊपर से काफ़ी हार्ड होता है, अतः इसको काटने के लिए बहुत मजबूत और तेज धार वाले चाकू की ज़रूरत पड़ती है। ताज़ा फल जहरीला होता है, अतः कभी भी ताज़ा फल नहीं खाना चाहिए। फलों को सुखाकर, रोस्ट करके अथवा उबाल कर खाने योग्य बनाया जाता है। यह पेड़ देवताओं का वरदान है।
इस पेड़ की जड़, छाल तथा फल सभी औषधीय गुणों से भरपूर हैं। बालम खीरा के अंदर भरपूर मात्रा में कई सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अब हम बताते हैं कि इसकी छाल तथा जड़ से लेप का प्रयोग कहां कहां करते हैं। त्वचा के रोगों में इसका लेप लगाने से ठीक होता है। सनबर्न, स्किन केयर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। रक्तस्राव में, गठिया में सूजन वाले भाग पर छाल का लेप लगाने से ठीक होता है। दांत के दर्द में लेप लगाने से दर्द बंद हो जाता है। चूर्ण का प्रयोग मधुमेह, डायबिटीज में, पेचिस, डायरिया में, निमोनिया में, सूखी खांसी तथा पाचन संबंधी सभी प्रकार की बीमारियां जैसे पेट दर्द, आंतों की सूजन, कमर तथा जोड़ों के दर्द में, शारीरिक दुर्बलता को, शीघ्र पतन तथा योनि संक्रमण, बालों का सफ़ेद होना आदि में चूर्ण का प्रयोग करते हैं। बालम खीरा से काढ़ा बनाकर इसको दिन में 3 बार सुबह, शाम, दोपहर पीने से किडनी की पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाती है। अफ्रीका में इसका प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। स्वीट बियर भी बनाई जाती है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए अथवा डिसलाइक कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य कीजिए, जिससे मैं अगले वीडियो में और अच्छा आपको प्रस्तुत कर सकूं। जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सबा खैर।